हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल के ऊपर नए लोग हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दें। रोजाना बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत बहुत आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो आप यदि चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस में जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनके PDFs आपको अवेलेबल हो जाए, तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर है, बस उस फोल्डर से आप सारे के सारे वीडियोज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि कंटेंट आपके पास में रहेगा तो आप अच्छे से स्टडीज़ को कर पाओगे। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। द फ्यूचर बिलोंग्स टू डोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जो लोग अपने सपनों पर विश्वास करना जानते हैं फ्यूचर उन्हीं का होता है, याद रखना। इसलिए अपने सपने जो आपने देखे हैं उनके ऊपर विश्वास करो और उनको हासिल करने के लिए भरसक कोशिश प्रारंभ कर दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइबोसोम। प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सेल बायोलॉजी के जो ऑर्गेनेल्स अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को राइबोसोम्स के बारे में मिलेगी। नाउ व्हाट आर पलाडे पार्टिकल्स? राइबोसोम्स आर एक्चुअली पलाडे पार्टिकल्स। राइबोसोम्स को ही हम क्या कह देते हैं? पलाडे पार्टिकल्स कह देते हैं। क्यों? व्हाट आर पलाडे पार्टिकल्स? राइबोसोम। क्यों? देवर ऑब्जर्व्ड बाय पलाडे, hence called पलाडे पार्टिकल्स। इनको सबसे पहले पलाडे ने ऑब्जर्व किया था, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पलाडे पार्टिकल्स। व्हाट आर RNP पार्टिकल्स? राइबोसोम्स को ही हम RNP पार्टिकल्स कहते हैं। RNP क्यों कहते हैं? RNP का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। RNP क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स किन को कहते हैं? राइबोसोम्स को ही कहते हैं। तो आज के अंदर कभी भी कोई पूछे कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कौन है, ऑफकोर्स राइबोसोम है। राइबोसोम्स आर अटैच टू ER विद द हेल्प ऑफ, इमेजिन करो कि ये एक ER है और इससे जुड़े हुए हैं कौन? ये राइबोसोम है, ठीक है, ये सब राइबोसोम है। इमेजिन करो राइबोसोम है और ये राइबोसोम जो हैं वो जुड़े हुए हैं कुछ विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स के द्वारा। यहाँ पर कुछ विशेष प्रोटीन्स है, तो मैं कहना चाहता हूँ राइबोसोम्स आर अटैच टू ER विद द हेल्प ऑफ, आंसर होगा राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। और ये है क्या चीज़? राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड है क्या चीज़? तो ये जो है बेटा ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है और इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स की मदद से राइबोसोम्स अटैच रहते हैं ER से। राइबोसोम्स आर अटैच टू ER विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। ये क्या चीज़ है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। विच सेल ऑर्गेनल्स हैव राइबोसोम? कौन कौन से सेल ऑर्गेनल में राइबोसोम होते हैं? तो दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर ही 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। तो विच सेल ऑर्गेनल्स हैव राइबोसोम? कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होता है कौन से ऐसे कोशिकांग है जिनमें कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 70S राइबोसोम होते हैं। टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ, दो उपिकाइयां, राइबोसोम की दो उपिकाइयां किसके द्वारा जुड़ी रहती है? आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ये मान लो स्मॉलर सब यूनिट है और ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है, ये दोनों अलग अलग रहती है। लेकिन क्या होता है कि मैग्नीशियम आयन के
0.001 मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर ये दोनों सब यूनिट्स ऐसे जुड़ जाती है। तो ये तो कौन सी हो गई, लार्जर सब यूनिट, ये तो हो गई लार्जर सब यूनिट, और ये क्या हो गई स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ, तो किसके कारण होगा, मैग्नीशियम आयन के। टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद, वैसे तो दोनों अलग रहती है लेकिन मैग्नीशियम आयन की एक पर्टिकुलर सांद्रता के ऊपर, मैग्नीशियम आयन की पर्टिकुलर सांद्रता के ऊपर दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाती है। व्हाट आर पॉलीराइबोसोम्स, मेनी राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर राइट विथ एमआरएनए। जैसे यूं समझो ये एमआरएनए है, ये छोटी सब यूनिट है, ये बड़ी सब यूनिट है, ये छोटी सब यूनिट है, ये बड़ी सब यूनिट है, ये छोटी सब यूनिट, ये बड़ी सब यूनिट, ऐसे। तो ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। तो मेनी राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर विथ एमआरएनए, बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए से क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं, बहुत सारे एमआरएनए किससे जुड़े रहते हैं, एमआरएनए से संलग्न रहते हैं। ये देखो ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट। ठीक है, तो बहुत सारे मेनी राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर विद एमआरएनए, तो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसोम। तो ये आपको पॉलीराइबोसोम कहो या आप इसको पॉलीसोम कहो, एक ही चीज है। पॉलीसोम कहिए या पॉलीराइबोसोम कहिए, एक ही बात है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S, जहां पर एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, ना स्वेडबर्ग यूनिट 70S। टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं, 80S। ठीक है, 70S और 80S, ठीक है ना, ये एक्चुअली सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स हैं, है ना, अवसादन राइट गुणांक है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स 70S, टाइप ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोट्स 80S। 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ विच टू सब यूनिट्स, तो ये 70S सब यूनिट है, ये दो सब यूनिट्स के मिलकर बने होता है, 50S और 30S, ये स्मॉल सब यूनिट है, छोटी यूपी का ये, और ये लार्जर सब यूनिट है। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं मालूम है ऐसे, और गलती से लिख दिया सर ने 50 + 30 तो 80 होता है 70। अरे यार आगे तो सुनो, कभी भी दो पिकाइयों का जोड़ अवसादन गुणा के समान नहीं होता। सम ऑफ टू सब यूनिट इज नॉट इक्वल टू द सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, सम ऑफ, क्लियर कर देता हूं, टू सब यूनिट्स इज नॉट इक्वल टू सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, सम ऑफ टू सब यूनिट इज नॉट इक्वल टू सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। दो पिकाइयों का जोड़ अवसादन गुना के समान नहीं होता। ऐसे नहीं करना 30 + 30 = 80 हो गया, नो। 80S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, तो ये भी दो सब यूनिट का मिलकर बना होता है, 60S और 40S। 40S क्या है, स्मॉल सब यूनिट, छोटी उपिकाई, ये क्या है, लार्जर सब यूनिट। वापस से वही बात, द सम ऑफ टू सब यूनिट इज नॉट इक्वल टू सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, दो पिकाइयों का जोड़ अवसादन गुना के समान नहीं होता, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, आपको सबको मालूम है प्रोटीन फैक्ट्रीज कौन होती है, राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन फैक्ट्री सेल की कौन है, राइबोसोम से। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल कौन है, तो राइबोसोम है।
झिल्ली रहित कोशिकाओं, झिल्ली रहित कोशिकाओं, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली रहित कोशिकाओं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सबसे छोटा कोशिकाओं, सबसे छोटा कोशिकाओं कौन है भाई? राइबोसोम, बहुत छोटा, 150 एंगस्ट्रोम से 250 एंगस्ट्रोम के बीच इसकी साइज होती है। टाइप ऑफ आरआरएनए इन 30S सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, 30S आप जानते हो 70S राइबोसोम होता है, उसकी दो सबयूनिट होती है 50S और 30S। आपसे क्वेश्चन पूछा टाइप ऑफ आरआरएनए इन 30S सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, इसमें कौन सी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 16S आरआरएनए, राइट, 16S आरआरएनए, 16S आरआरएनए, भूलोगे तो नहीं, 16S आरआरएनए भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोगों को नहीं आता ये। टाइप ऑफ आरआरएनए इन 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तो ये 70S था, इसकी दो यूनिट्स थी, लार्जर सब यूनिट 50S, स्मॉलर सब यूनिट 30S। तो टाइप ऑफ आरआरएनए इन 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इसमें कौन सा है, तो दो टाइप होते हैं, एक होता है 5S और एक होता है 23S आरआरएनए, ठीक है, 5S और 23S आरआरएनए, 5S और 23S आरआरएनए। अब है नेक्स्ट टाइप ऑफ आरएनए इन 60S, तो देखो ध्यान से देखो, 60S, अब 60S किसका है, तो 80S राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, एक होता है 60S, एक होता है 40S। तो पूछा है टाइप ऑफ आरएनए इन 60S टाइप ऑफ राइबोसोम, इसमें कौन सी होती है, तो 5S, ध्यान से सुनना, 5.8S और 28S टाइप ऑफ आरआरएनए। वापस से बोलूं एक बार फिर से देख लो, टाइप ऑफ आरएनए इन 50S 5S और 23S टाइप ऑफ आरआरएनए, 60S के अंदर 5S 5.8S, में फिर से बोल रहा हूँ 5S 5.8S और 28S टाइप ऑफ आरएनए। टाइप ऑफ आरएनए इन 40S, तो अभी जस्ट बताया था 80S सब यूनिट की दो यूनिट है, बड़ी सब यूनिट 60S, छोटी सब यूनिट 40S। तो पूछा है कि 40S में कौन सा टाइप ऑफ आरएनए है, तो 18S टाइप ऑफ आरआरएनए, 18S टाइप ऑफ आरआरएनए, 18S। डाइमर क्या होता है, टू राइबोसोम कंबाइन टू फॉर्म अ डाइमर, दो राइबोसोम आपस में जुड़कर डाइमर बनाते हैं, जैसे 80S प्लस 80S, तो ये जुड़के और एक डाइमर बन गया, ठीक है ना, 80S प्लस 80S जैसे जुड़के और डाइमर बन गया, तो ये डाइमर जो है वो 100S ये जैसे डाइमर बन गया, ये है ना, तो डाइमर जो है दो राइबोसोम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, डाइमर मतलब दो। हु प्रेजेंटेड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फाइन स्ट्रक्चर किसने दिया था, स्ट्रक्चर की बात हो रही, खोज वोज की बात नहीं हो रही, जेम्स ए लेक करके थे साइंटिस्ट जिन्होंने की फाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया किसका, राइबोसोम का। अब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट में क्या क्या भाग होते हैं, तो कोई भी राइबोसोम उसकी स्मॉलर सब यूनिट के अंदर और लार्जर सब यूनिट के अंदर क्या क्या भाग होते हैं वो भी अपने डिस्कस करते हैं, लार्जर सब यूनिट में क्या क्या भाग होते हैं वो आप देखो, यहाँ पर जो है स्मॉलर सब यूनिट के अंदर, राइट, स्मॉलर सब यूनिट के अंदर एक तो हेड है और बेस है और प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर रिज है, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, और एक स्टॉक है, ध्यान रखोगे भैया, स्मॉलर सब यूनिट के अंदर हेड है, बेस है, प्लेटफॉर्म है, लार्जर सब यूनिट के अंदर रिज है, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है और स्टॉक है, क्लियर।
तो डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियोस आप लोगों की सक्सेस के अंदर बहुत बड़े माइलस्टोन की तरह रोल प्ले कर सकते हैं। इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। मैं हमेशा से कहता हूँ, आसमान से उतर कर क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप और हम जो क्लास में डिस्कस करते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में। देखते रहिए।